बहुत टाइम बाद ये ऐतिहासिक दिन आ चुका है। तो ये गाड़ी है गाइस, काफी साल 10 साल लगा लीजिए आप। टॉय से खेलना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। एडोरा आराम से चल रुक तो। अच्छा खाना में काफी टाइम बाद करारा शाही पनीर प्रेम ढाबे का। हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का दिन कुछ अलग होने वाला है। बहुत टाइम बाद ये ऐतिहासिक दिन आ चुका है। मैं इतनी सुबह सुबह उठ चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी सीखने बहुत टाइम बाद। और भैया आ चुके हैं अभी बाहर, तो विश मी ऑल द वेरी बेस्ट कि मैं गाड़ी जल्दी सीख लूँ। और ये जो मिथ था कि मैं गाड़ी कब सीखूँगा, सीखूँगा भी नहीं सीखूँगा, अब देखो ये होने जा रहा है यार। तो चलते हैं यार भैया के पास और देखते हैं। पहला दिन है, पहली शुरुआत है, भगवान सब कुछ ठीक हो जाए यार। चलो गाइस, ये खड़े हैं भैया, लाल गाड़ी है इनकी वैगनार, और इसी में गाड़ी है गाइस। तो अब सीखते हैं। ये है हमारे भैया जो हमें सिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं यार। तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ, और फर्स्ट डे जो गाड़ी सीखने का दिन था जिसमें बेसिक क्लियर हुआ है, कब क्या प्रेस करना है, कब क्या टर्न लेना है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आई हैं। देखो मैंने कुछ साल पहले चलाई थी गाड़ी, मतलब कुछ साल नहीं, काफ़ी साल, 10 साल लगा लीजिए आप। तो अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं, और आज पहला ही दिन था, तो अभी तो 14-15 दिन है। देखो कितना कॉपअप हो पाता है और कितना बेटर तरीके से मैं सीख पाता हूँ और कैसे सिखा पाते हैं। ये देखो ये यहाँ बैठी हुई है गडोरा, ओ गडोरा, ओ डोरा। ये देखो गाइस, ये है एडोरा का गिफ्ट। ये जो डॉल है ये इतनी अट्रैक्ट हो गई है इसके साथ। ये देखो यार, देखो ओ मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, इसे बहुत पसंद है। ये टॉय लवर है यार। ये देखो, ये टॉय से खेलना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, अरे अच्छा अच्छा, बस 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 बस, मारना नहीं है उसको, मारना नहीं है, वो डॉल है बेबी, नहीं मारना ना, वो शी जस्ट लाइक यू। आए आए, ये देखो, ये देखो, देखो यार, इसका प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। अब इसको आप काटना समझो या मारना, वो बहुत स्वीट है यार। डॉल भी बहुत अच्छी है, जो स्टफ़ है वो बहुत सॉफ्ट है यार। एंड इवन गाइज, एडोरा के लिए इसके ग्रूमिंग का जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाल बड़े हो रहे हैं, नेल भी बहुत पॉइंटेड और बड़े हैं, शार्प हैं। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया है, तो भैया को अपॉइंटमेंट दी थी, वो आ रहे हैं, तो इसका भी ग्रूमिंग सेशन होगा, बहुत मज़ा आएगा। पूरा पैकेज लिया है और बहुत पॉकेटेबल प्राइस है यार, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पूरा पैकेज है। उसमें बाथिंग है, नेल ट्रिमिंग है, हेयर ट्रिमिंग है, स्पा है, लॉट्स मोर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यार, कि घर आके वो सर्विसेज दे रही, हमारे सामने ही वो करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी आएंगे तो इसका ग्रूमिंग सेशन देखते हैं। इरिटेट तो होने वाली है मुझे पता है, बट कराना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि ये अपने आप को हार्म कर रही है, क्योंकि इसके नेल बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हैं और अपने आप को स्किन पे मार रही है। तो आई रियली डोंट वॉन्ट कि ये अपने आप को हर्ट करे, आप भी नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो अभी आते हैं, फिर देखिए। तो ये ग्रूमिंग सेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। आराम से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये नॉर्मल से कटेंगे ही नहीं, ये थोड़ी सी नॉटी है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओ अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट सिर्फ, 2 मिनट सिर्फ, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे ना बाबू, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे। अच्छा अच्छा, घबरा रही है ना कितना। ये बन गई बाबू पूरा है, क्या बात है, अब हीरोइन लग रही है ना पूरी। नहीं अच्छा हो गया, ग्रूमिंग बहुत बढ़िया है। अब थैंक्स तो बोलते भैया को, थैंक्स नहीं बोलेगी, अब तो फ्रेंडशिप हो गई है यार, अब तो फ्रेंडशिप हो गई है। कर ले फ्रेंडशिप, कर ले, अब कर ले फ्रेंडशिप, कर ले फ्रेंडशिप, कर ले।
अरे अब क्या डरना है, अब क्या डरना है, अब तो ग्रूमिंग हो गई है। फर्स्ट टाइम किचन में आए हो? नहीं, किचन में तो मैं रोज आता हूँ, बट खाना में काफी टाइम आता। ये जला दिया है? नहीं, मुझे जला हुआ पसंद है, टेस्ट आता ना, क्रिस्पी टेस्ट। ये बोलो कि आपने जला दिया और अपनी तारीफ कर रहे हो। जले हुए की बात ही अलग है, सब बना हुआ खाते हैं, मैं जला हुआ खाता। चलो बढ़िया, खाओ जला हुआ। देखा इसका कलर, देखो जरा, येलो येलो कलर, मजा आ गया। सबसे अलग, ना कोई पूरी, ना कोई पराठा, ना कोई ब्रेड ब्रेड, मतलब आज ऑमलेट। ग्रूमिंग हो गई मेरे बच्चे की, ग्रूमिंग हो गई मेरे बच्चे की। तो इसकी ग्रूमिंग भी हो चुकी है, इसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और इसने थोड़ा सा नैप भी ले लिया, नैप भी एक आधे घंटे का। मैंने भी खाना खा लिया और अब यार कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, कुछ थोड़ा सा नुक्स आ चुका है यार मोटर का, पानी के मोटर में कुछ, तो उसकी वायरिंग चेंज करवाते हैं या क्या है, वो जाके पता चलेगा। तो मैं फटाफट निकल रहा हूँ और एक दो घंटे में वापस आऊँगा। बाय डोरा। हाय वीटू। वीटू। तो भैया बोट खोलकर चेक कर रहे हैं, तब तक हम बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों बाद टेरिस पर आया हूँ, यहाँ का नज़ारा अनकम्पेरेबल है, लाजवाब यार, बहुत ही मज़ा आता है जब मैं टेरिस पे आता हूँ, देखिए आप भी। तो गाइस काम सारा हो चुका है, एक्चुअली यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्पार्किंग हुआ था, कल हुआ था, तो जो मोटर का कनेक्शन है वो हट गया था, तो ऊपर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो अभी भैया को बुलाया था, उनसे ठीक करा दिया था, और बाहर बारिश बहुत हो रही थी तो भैया को भी आने में टाइम लग गया, तब तक मैंने नहा भी लिया, रेडी भी हो गया और कुछ खा भी लिया यार, भूख भी बहुत लग रही थी। तो अब ठीक हो चुका है, इंडिकेटर भी लगा दिया है जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो भैया ने कहा कि फ़ोन कर देना, मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो अब फाइनली चलते हैं यार, शालू भी वेट कर रही होगी, और एडोरा की आज ग्रूमिंग हुई है तो वो बहुत प्यारी और क्यूट लग रही है यार, तो मुझे उससे मिलने का मन कर रहा है, तो फटाफट उसके पास चलते हैं। और शालू ने जो सिपर कहा था ट्रांसपेरेंट, वो भी मैंने ले लिया है, तो फटाफट निकलते हैं और सीधा मिलते हैं एडोरा के साथ। चलिए, मेरा सामान ले आए हो? हाँ, आपका सामान भी आ चुका है और जो ठीक कराना था वो भी ठीक करा लिया है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतना ज़्यादा जाम था, मतलब दिल्ली की रोडों का मुझे समझ नहीं आ रहा, अब क्या पैदल उतर के चलना लग गया क्या, उसके लिए भी स्पेस नहीं बचेगा मुझे लग रहा है। शालू, अगर मैं रॉन्ग साइड से ना क्रॉस होके आता ना तो कम से कम मैं 10:30 पहुँचता, अभी मैं 1 घंटे में पहुंचा हूँ। बारिश भी तो हो रही है ना? अरे बारिश की वजह से ही तो जाम लगा हुआ है। लेकर क्या आए हैं भाई? लेकर मैं ये आया हूँ जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, 20-22 साल 25 साल हो गए हैं, करारा शाही पनीर प्रेम ढाबे का। ये इसको देख के जो मेरा एक दोस्त है सरदार जी, सन्नी नाम है उनका, वो देख कर इसको थोड़ा सा एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि वो और मैं सबसे ज्यादा दीवाने हैं इस करारे शाही पनीर के, क्योंकि मैं उसके नाम से ही बोलता हूँ कि यार सरदार जी का करारा शाही पनीर करते। तो अब भूख लगी है यार, खाना खाते हैं, मम्मी भी अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं और उसके बाद देखते हैं। मम्मी आ रही, मम्मी आ रही, मम्मी आ रही, मम्मी भी आ रही खाना खाने। क्या कर रहे हैं आप सब? बड़े मजे में हो गए आप लोग भी। मम्मी भी अभी ज्वाइन करेगी और मम्मी ने खा चुकी है ये शाही पनीर, पहले टेस्ट कर चुकी है, प्रेम आ गया है, बहुत बढ़िया है। आप खाइए, टेस्ट लीजिए, बढ़िया। तुम तो खाना स्टार्ट करो। मैं खाऊं? हां स्टार्ट करो। नहीं, मैं सबके साथ ही खाऊंगा, ऐसे नहीं खाता मैं। चलो भाई वेट करते हैं। हां क्या हुआ? ये एक्चुअली आज इसकी ग्रूमिंग हुई है ना, ये देखिए आप, हाँ मेरा बच्चा, तो ग्रूमिंग हुई है तो आज थोड़ा सा लेजी है, क्योंकि एक्चुअली कोई और आके इसको टच करता है तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट लगता है यार, अनईजी होता है। तो आज इसकी पूरी मुरम्मत हुई है, प्यार से भी, फिर उन्हें थोड़ा सा रफ भी हुआ इसके साथ, मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, बट ठीक है यार, ग्रूमिंग भी मस्त है यार, इसके नेल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे ना बाबू, अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा भैया। तो अभी देखो यहाँ डोरा, वाह बहुत क्यूट लग रही है, अच्छा 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 अच्छा। तो गाइस लाजवाब डिनर हो चुका है करारे शाही पनीर के साथ, मज़ा ही आ गया यार, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, नो कॉम्पिटिटर है यार पूरी दिल्ली में, मैं चैलेंज दे सकता हूँ। और अब सोते हैं यार, क्योंकि आने जाने में फिर बारिश, फिर वहाँ ट्रैफिक पूरा पैक्ड था, उसमें वेट करने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ना ठीक नहीं है, और हो सकता है कि कहीं ज़ुकाम ना हो जाए, मुझे डर है यार, और अगर ज़ुकाम हो गया ना तो ये 4-5 दिन ले जाता है यार, तो मैं थोड़ा सा स्केर्ड हूँ। तो आज का व्लॉग हम अभी एंड करते हैं, टिल देन आप
हमारा व्लॉग जाके देखिए, प्रॉपर देखिए, एंड तक देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बिना अगली वीडियो पे मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, रिक्वेस्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और उसको सपोर्ट करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करिए। इसकी हर न्यू क्रिएटर को नीड होती है, हर व्लॉगर को नीड होती है, तो प्लीज़ आप करिए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शबा खैर। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा ही करिए जो भी करिएगा। डू लव एंड स्प्रेड लव। बाय बाय।